शहरों से मिल रही बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां साइकिल दुकान में भीषण आग लगी है। लाखों की साइकिल जलकर खाक हो गई है और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर मिल रही है शहडोल से, जहां साइकिल दुकान में भीषण आग लगी है और आग की चपेट में लाखों की साइकिल जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी है। तो शहडोल से बड़ी खबर, जहां साइकिल दुकान में भीषण आग लगी है, लाखों की साइकिल जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग दुकान में लगी। तो बड़ी खबर मिल रही है शहडोल से, साइकिल दुकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इतनी भीषण ये आग जिसमें लाखों की साइकिल जलकर खाक हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये आग साइकिल दुकान में लगी और कितनी भीषण ये आग जिसमें लाखों की साइकिल जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IND24 पर। कमलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, खबर मिल रही है कि साइकिल दुकान में भीषण आग लगी, कैसे लगी आग? जी ओमला, बताना चाहूंगा कि आज सुबह 4 बजे की घटना है। वहाँ के आसपास लोग जो जा रहे थे तो बताया कि अंदर आग लगी हुई है। जब तक दमकल गाड़ी पहुंचती तब तक पूरी दुकान जल के खाक हो गई। लगभग लाखों, 10 लाख का नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। ये अपने बुढ़ार थाना अंतर्गत सब्जी मंडी की घटना है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है? जी बिल्कुल मिला जी, धनपुरी और बुढ़ार की दमकल गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग में काबू पा लिए हैं। जी अब स्थिति समान बताइए, जनहानि क्या इस पूरे ही हादसे में हुई है? जी सॉरी, किसी तरह की जनहानि कमलेश जी यहां पर देखी गई है? क्या दुकान में उस वक्त कोई मौजूद था जब ये आग लगी? मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 4 बजे की घटना है तो दुकान बंद थी और जब शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहां के आसपास के लोग बताएं कि दुकान में आग लगी हुई है, तभी वहां पे सभी लोग पहुंचे। उसमें जनहानि कोई नहीं हुई, लेकिन हाँ माल का नुकसान हुआ है लगभग 10 से 12 लाख का। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो लाखों रुपए की साइकिल यहां पर जलकर खाक हो गई है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है जब शॉर्ट सर्किट के कारण इस दुकान में आग लगी। गनीमत यह रही कि कोई भी उस वक्त दुकान में मौजूद नहीं था।